हेलो एंड वेलकम है आप लोगों का टेक एमएम पर एक बार फिर से। और आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं एक गेमिंग डेस्कटॉप को जो कि है आसूस की तरफ से ROG G20। दोस्तों ये एक बहुत ही बेहतरीन गेमिंग डेस्कटॉप है और चलिए तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या खास है। दोस्तों बॉक्स की बात करें तो बहुत ही डिसेंट बॉक्स है। ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो रिपब्लिक ऑफ गेमर्स लिखा है, द चॉइस ऑफ चैंपियंस, नीचे आसूस की ब्रांडिंग दी गई है और यहाँ पर अगर हम आते हैं तो ROG G20 लिखा है और बहुत ही अच्छी पिक्चर जो है वो इस डेस्कटॉप की यहाँ पर बनाई हुई है। तो चलिए दोस्तों इसे अनबॉक्स करके देखते हैं और देखते हैं कि हमें इसके अंदर क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों ये रही इसकी पैकिंग, यहाँ पर काफी जगह पर आसूस की ब्रांडिंग दी गई है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं G4 GTX का लोगो लगा हुआ है, RGB लाइट इसके अंदर है, सोनिक मास्टर और 100GB की हमें क्लाउड स्टोरेज भी हमें यहाँ पर मिलती है। दोस्तों स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ हमें मिलेगा i7 6700 जो की है 3.4 GHz पर, और रैम की बात करें तो 16GB की दो रैम यानी कि टोटल हो गई 32GB। हार्ड डिस्क की बात करें तो 3 TB की काफी बड़ी हार्ड ड्राइव हमें यहाँ पे मिलती है। SSD की बात करें तो 256GB की SSD हमें यहाँ पर मिलेगी और साथ में हमें मिलेगा एक ब्लूरे DVD राइटर जो कि काफी अच्छी बात है, और साथ में हमें मिलता है ब्लूटूथ, वाईफाई और अब सबसे मेन चीज पे आते हैं ग्राफिक कार्ड। तो हमें इसमें मिलेगा GTX 1080 8GB DDR5 वाला, तो ये बहुत ही अच्छी बात है यानी कि जो हमारी गेम्स हैं वो बहुत स्मूथली रन होंगी। और दोस्तों ये आता है विंडोज 10 के साथ और साथ में हमें मिलती है 36 मंथ की वारंटी भी। तो दोस्तों चलिए जल्दी से ओपन कर लेते हैं अपने बॉक्स को और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो चलिए जल्दी से ओपन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक बॉक्स दिख रहा है, तो चलिए इसे ओपन करके देखते हैं। और ये रहा हमारा मैकेनिकल कीबोर्ड जो हमें साथ में मिलता है जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और ये आता है RGB लाइटिंग के साथ। यहाँ पर एक बटन भी दिया गया है, आई थिंक ये वॉल्यूम के लिए होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वालिटी है इसकी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो चलिए दोस्तों और देखते हैं कि हमें इसमें क्या मिलता है। ये रही हमारी मशीन और यहाँ पे एक और बॉक्स है, इसके अंदर हमें मिलता है एक काफ़ी डिसेंट माउस। ये गेमिंग माउस तो नहीं है पर क्वालिटी इसकी जो है वो काफ़ी अच्छी है। और देख लेते हैं कि हमें इस बॉक्स में क्या मिलता है। तो हमें मिलती है एक पावर सप्लाई जो कि ग्राफिक कार्ड और कंप्यूटर दोनों को पावर सप्लाई देने के लिए है। ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है और ये देख सकते हैं आप, दो यहाँ पर पावर केबल हमें दिख रही हैं। और ये जो तो केबल है ये हमें अपने डेस्कटॉप में लगानी होगी। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ सॉकेट हैं जो हमें पावर सप्लाई के लिए यूज़ करने होंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपनी मशीन की तरफ और इसको बाहर निकालते हैं। ओके, तो दोस्तों ये भी काफी ज्यादा हैवी है तो मुझे थोड़ा ध्यान से इसको बाहर निकालना होगा। ओके, तो इसको फॉर्म को हटा देते हैं और इसको बाहर की तरफ थोड़ा सा हमें खींच लेते हैं। जो पहली लुक जो मेरे को इसकी दिख रही है वो बहुत ही डिसेंट है। तो चलिए मैंने इसको बाहर निकाल लिया है, तो यहाँ पे हम इसकी पूरी लुक को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं बीच में रेड कलर की पट्टी दी गई है और यहाँ पर दो USB हमें दिख रही हैं और 3.5mm के जैक और बीच में है ब्लूरे DVD राइटर। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका डिज़ाइन है बहुत ही डिफरेंट है, ब्लैक मैट और जो रेड का कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। रिपब्लिक ऑफ गेमर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है और काफ़ी स्टाइलिश है, मैं तो कहूँगा बिल्कुल जैसे हम एलियन मूवीज़ में देखते हैं कुछ इस तरह के कंप्यूटर्स, बिल्कुल वैसा ही कंप्यूटर जो डिज़ाइन है इसका वैसा है। तो चलिए मैं आपको एक क्लोजअप लुक दिखाता हूँ इसकी। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पोर्ट्स यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं पीछे की तरफ। यहाँ पे G20 की आप नीचे की तरफ ब्रांडिंग देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने दी हुई है। और ये रहे हमारे काफ़ी सारे HDMI पोर्ट हमें इसमें मिलते हैं, USB पोर्ट मिलते हैं काफ़ी सारे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.5mm जैक हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हमें इसके अंदर मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ऊपर की तरफ हम देख लेते हैं क्या है, आई थिंक ये इसको कूल रखने के लिए यहाँ पर जो फैंस है वो लगे होंगे और उसके लिए यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है इसको वैसा ही बनाया गया है। तो काफ़ी अट्रैक्टिव है दोस्तों ये। तो सामने की तरफ मैंने आपको जैसा दिखाया कि ब्लूरे DVD राइटर है यहाँ पर, और इसकी जो लुक है वो रेड कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसके साथ में बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है। डिज़ाइन काफ़ी सोच समझ कर काफ़ी अच्छे तरीके से इसको जो है बनाया गया है। तो दोस्तों नीचे की तरफ हम देख लेते हैं, यहाँ पर भी बिल्कुल सिमिलर डिज़ाइन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो चारों तरफ से जो इसकी लुक है वो बिल्कुल एक जैसी हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ब्रांडिंग विंडोज़ की और कोर i7 की हमें देखने को मिलती है, रिपब्लिक ऑफ गेमर्स, आसूस की ब्रांडिंग साइड में की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे इसका क्लोजअप लुक, मुझे तो इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट भी है। जब मैंने अपने कंप्यूटर टेबल पर इसे रखा तो इसने काफ़ी कम जगह को कंज्यूम किया, पर देखने वाली बात ये होगी कि गेमिंग के अंदर ये किस तरह से परफॉर्म करता है। तो दोस्तों आज हम इसके अंदर 4K गेमिंग करके देखने वाले हैं कि किस तरह से ये परफॉर्म करेगा। जिस हिसाब से इसकी स्पेसिफिकेशन है उस हिसाब से तो इसको काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसको जल्दी से ऑन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है।
तो चलिए जल्दी से कनेक्ट कर लेते हैं अपनी वायर्स को। तो एक को हमें यहाँ लगाना होगा और दूसरे को यहाँ। तो चलिए जल्दी से ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा डेस्कटॉप ऑन हो चुका है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पावर बटन और साइड की तरफ जो काफ़ी अच्छी RGB लाइटिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुझे तो ये RGB लाइटिंग बहुत पसंद आई। और दोस्तों ये रहा हमारा RGB कीबोर्ड। आप देख सकते हैं इसकी लाइटिंग को की जो काफ़ी अच्छी लग रही है। साइड में जो पैनल दिए गए हैं लाइट के वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ओके, तो दोस्तों मैंने फाइनली अपने डेस्कटॉप को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है और कुछ गेम्स भी मैंने इसके अंदर डाली हैं जिससे कि हम इसको बेहतर तरीके से टेस्ट कर पाएंगे। मुझे दोस्तों यहाँ पर ये GeForce की जो एप्लीकेशन है वो बहुत पसंद आई, जिसके अंदर जो गेम्स को ये अपने आप ऑप्टिमाइज़ कर लेता है कि किस हिसाब से उसे रन करना है और उसकी स्पेक्स को उसी हिसाब से एडजस्ट कर देता है। ये मुझे बहुत पसंद आया। तो दोस्तों जो मैंने पहली गेम इसके अंदर खेली वो थी लिटिल नाइटमेयर्स, जिसने मुझे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो आप देख सकते हैं जो क्वालिटी है ग्राफिक्स की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है। अभी मैं जो शूट कर रहा हूँ वो कैमरा से कर रहा हूँ, पर मैं आपको इसका रिकॉर्डिंग वर्जन भी दिखाने वाला हूँ जिसके अंदर कि आपको थोड़ा और पता चल पाएगा कि ग्राफिक किस हिसाब से इसके आ रहे हैं। मैं काफ़ी हाई सेटिंग्स पर इसको खेल रहा हूँ और इस वाली वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो रिकॉर्डेड वर्जन है वो यहाँ पे मैं प्ले कर रहा हूँ। तो जो FPS है मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है, जो टेक्सचर की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी आ रही है। जो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है बिल्कुल हाई ग्राफिक और सेटिंग पर खेलने का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन ग्राफिक यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों इसके बाद मैंने अगली गेम जो प्ले की वो थी हम सबकी फेवरेट GTA 5। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके ग्राफिक्स आउटस्टैंडिंग थे, इतने ज़बरदस्त ग्राफिक्स के आ रहे थे। मैं बिल्कुल हाई सेटिंग पर इसको खेल रहा हूं और मैं आपको बता दूं कि प्लेस्टेशन और कंप्यूटर के ग्राफिक्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क यहाँ पर मेरे को देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका जो ग्राफिक कार्ड है वो काफ़ी अच्छा है और इस हिसाब से जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी आ रही है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो रिकॉर्डेड वर्जन है, तो यहाँ पर आप जो क्वालिटी है वो देख सकते हैं। जो FPS है मुझे काफ़ी अच्छा मिल रहा था 4K पर और काफ़ी अच्छी क्वालिटी जो टेक्सचर की है वो यहाँ पे मेरे को मिल रही थी और काफ़ी स्मूथ भी चल रही है गेम। तो ये भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी बेहतरीन ग्राफिक्स यहाँ पे मेरे को देखने को मिले। तो दोस्तों इसके बाद जो मैंने गेम प्ले की वो थी प्रे, पर किसी वजह से उसमें कोई बग आने की वजह से मैं उसको आगे नहीं चला पाया तो मैंने उसको स्किप कर दिया। तो दोस्तों उसके बाद मैंने इसमें गेम प्ले की Far Cry 4। तो आप देख सकते हैं जो क्वालिटी है ग्राफिक्स की वो कितनी अच्छी आ रही है, बहुत ही स्मूथ गेम प्ले था इसका और मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला 4K पे। अभी आप जो देख रहे हैं जो वो कैमरा से रिकॉर्डेड है, पर अब मैं जो दिखाने वाला हूँ वो रिकॉर्डर से रिकॉर्ड किया गया है। तो यहाँ पर जो आपको क्वालिटी है वो 4K पे आपको देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे देखने को मिला यहाँ पे कंसोल गेमिंग में और कंप्यूटर के हाई ग्राफिक गेमिंग में। तो बहुत ज़्यादा अंतर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं टेक्सचर के अंदर बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई दे रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो मुझे FPS मिला वो तकरीबन 50 FPS तक ये गेम गई और बहुत ही स्मूथ प्ले हो रही थी। 4K में 50 FPS मेरे को मिल रहा था यहाँ पर और काफ़ी मज़ा आया प्ले करने में। एकदम डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है जब आप रियल 4K पे गेमिंग करते हो। तो दोस्तों हमारा एक्सपीरियंस G20 के साथ काफ़ी अच्छा रहा। और अगर बात करें इसके प्राइस की तो इसका प्राइस है तकरीबन 1,85,000 रुपीज़। और अगर आप इसे खरीदना चाहें तो आप इनके स्टोर्स पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो बस यहीं तक थी और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस तरह की और वीडियोज़ के लिए और शेयर करें हमारी वीडियोज़ को। और अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखना ना भूलें। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे पाऊं। तो दोस्तों मिलेंगे अब आपसे अगली वीडियो में और तब तक के लिए बाय बाय।